Good morning, student of class first. This is your maths class, and today we are going to start a new chapter, that is chapter number 19, money. Money means student क्या होता है? Money means होता है पैसे. जब भी कभी आपको कोई भी न्यू चीजें खरीदनी होती है, तब आप क्या करते हो? आपको ऐसे तो मिलती नहीं है. आपको उसके लिए मनी देनी पड़ती है. लाइक आप जब भी शॉपिंग के लिए जाते हो, आप जब भी मार्केट जाते हो, आपको बुक लेना है, कॉपी लेना है, बैग लेना है, या टॉफी लेना है, या चॉकलेट लेना है, तो आप क्या करते हो? आप शॉप जाते हो, मार्केट जाते हो, शॉपकीपर को पैसे देते हो, मनी देते हो, तब वो आपको सामान देता है. ओके, सो चिल्ड्रन, कोई भी चीजें हमें परचेज करने के लिए किसकी जरूरत होती है? मनी की, पैसे की. ओके, मनी हमारी स्टूडेंट दो तरीके की होती है, क्वाइंस एंड नोट्स. क्लियर? क्वाइंस स्टूडेंट, इसे हम क्वाइंस कहते हैं, और जो कागज का होता है उसे हम नोट्स कहते हैं. क्लियर? सो ये है क्वाइंस, इसे हिंदी में कहते हैं सिक्के, एंड दिस इज नोट. ओके, नाउ स्टूडेंट हम पढ़ते हैं, मनी हमारी दो तरीके की होती है, क्वाइंस एंड नोट्स. क्वाइंस स्टूडेंट कितने हैं? क्वाइंस के जो डिनोमिनेशन है मैं आपको बताती हूँ, 5 पैसे. ये सारे हमारे पैसे के क्वाइंस होते हैं, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे. ओके, देन स्टूडेंट जो रुपी होता है वो हमारा 1 से स्टार्ट होता है. मींस जो हमारे क्वाइंस होते हैं वो सिर्फ 50 पैसे तक होते हैं, और जब हम 1 से स्टार्ट करते हैं तो 1 पैसा नहीं होता है, 1 को हम रुपी बोलते हैं. इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा. ओके, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, देन 50 पैसे, 1 रुपी, 10 रुपी एंड 5 रुपीज और 10 रुपीज. इतने आपके क्वाइंस आते हैं. ओके, इससे ज्यादा के क्वाइंस नहीं आते हैं. स्टूडेंट कुछ पैसे हैं जो की अब यूज में नहीं है, लाइक 5 पैसे यूज में नहीं है, आप लोगों ने नहीं देखे होंगे. 10 पैसे का भी यूज नहीं होता है, 20 का यूज नहीं होता है, 25 पैसे का नहीं होता है, 50 पैसे. इन सारे क्वाइंस का यूज अब नहीं होता है. अब सिर्फ यूज होता है 1 रुपी के क्वाइन, 2 रुपी के, 5 के और 10 के. सिर्फ हमारे इतने रुपीज के क्वाइंस यूज होते हैं, और बाकी 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे का यूज अब नहीं होता है. क्लियर? वी डिनोट पैसे विथ पी. जब भी कभी हमें पैसे लिखना होता है तो हम पैसे के को डिनोट करते हैं पी से. जैसे कि हमें लिखना है 20 पैसे, तो हम 20 पैसे के लिए लिखेंगे 2p, यानी कि 20 पैसे. अगर हमें लिखना है 10 पैसे, तो हम लिखेंगे 10p, 10p यानी कि 10 पैसे. अगर हमें लिखना है 50 पैसे, तो हम लिखेंगे 50 और पी, 50p means 50 पैसे. क्लियर? फ्रेंड हम नोट्स में आते हैं. नोट स्टूडेंट जो आपका होता है वो पैसे में नोट्स नहीं होती है. नोट्स हमारी रुपी से स्टार्ट होती है. जो क्वाइंस होते हैं वो पैसे और रुपी में हो सकते हैं, लेकिन नोट्स हमारी पैसे में नहीं होती है, वो रुपीज में होती है. ओके, सो नोट्स 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी, 10 रुपी, 20 रुपी, 50 रुपी, उससे आगे 100 रुपीज, 200 रुपीज, 500 रुपीज, 2000 रुपीज. ये सारे नोट्स के डिनोमिनेशन है. इतने तरीके की नोट्स आती है. ओके, सो अब स्टूडेंट हमारी 1 रुपी की नोट यूज नहीं होती है, 2 रुपी की नोट यूज नहीं होती है, 1 और 2 रुपीज की नोट अब हम यूज नहीं करते हैं. ये अब यूज नहीं होती है. हम यूज करते हैं 5 रुपी, 10 रुपी, 20 रुपी और 50 रुपीज, देन उसके आगे के डिनोमिनेशन सारे. क्लियर? वी डिनोट रुपीज विथ दिस. जब भी कभी हमें पैसे लिखना होता है तो हम उसके लिए पी यूज करते हैं. जब भी कभी हमें रुपए लिखना होता है तो हम हिंदी का रा बना के ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं रुपीज को. ओके, जैसे हमें लिखना है 5 रुपी, तो हम 5 रुपी कैसे लिखेंगे? रुपी 5. क्लियर? हमें लिखना है 50 रुपी, तो हम लिखेंगे 50. पहले हम लिखेंगे र, देन 50. फिर हमें लिखना है 100 रुपीज, तो हम क्या लिखेंगे? र, ऐसे बनाएंगे, साइन बनाएंगे इसका, फिर ये 100. क्लियर स्टूडेंट? सो आपने अभी पढ़ा कि रुपी मनी हमारे दो तरीके के होते हैं, क्वाइंस एंड नोट्स. कुछ क्वाइंस है जो कि अब हम यूज नहीं करते, हमारे यूज में नहीं है.
और कुछ नोट्स भी ऐसे हैं जो कि अब हमारे यूज में नहीं है और बाकी सारी नोट्स हम यूज करते हैं। और पैसे को जब भी हमें डिनोट करना होता है हम पी से डिनोट करते हैं, रुपीज को जब भी हमें डिनोट करना होता है तो हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट इट्स टाइम टू योर क्लास वर्क। क्लास वर्क आपको बुक में कंप्लीट करना है, चैप्टर नंबर 19 मनी पेज नंबर 143। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपको करना है राइट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ क्वाइंस। अलग अलग डिनोमिनेशंस के क्वाइन दिए हुए हैं, अलग अलग क्वाइन दिए हैं आपको, इन सबको ऐड करके राइट करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको तीनों क्वाइंस को देखना है और उसे ऐड करना है। 3 क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपको खुद से सॉल्व करने हैं। ओके, दिस इज योर क्लास वर्क।